नमस्कार दोस्तों, जब आप एक डोमेस्टिक एयर कूलर के लिए YouTube पर सर्च करते हैं तो आपको ढेरों ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन जब आप एक लार्ज स्पेस एयर कूलर या फिर कमर्शियल एयर कूलर के लिए सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स न के बराबर हैं। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करने जा रहे हैं सिम्फनी मूवी कूल L125 एयर कूलर का, जो कि यूट्यूब पर सबसे पहली अनबॉक्सिंग है। दोस्तों, ये एक लार्ज स्पेस एयर कूलर मतलब कि होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज या फिर कोई बड़ा हमें एरिया कवर करना हो उसके लिए ये एयर कूलर है। क्या कुछ खास जानेंगे आगे के इस वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये है हमारा मेन यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइज के बारे में। तो 22 इंच का फैन दिया हुआ है जिसकी वजह से इसका साइज बहुत ही शानदार है। बात करते हैं इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की, तो ये एक वेदर रेजिस्टेंट बॉडी है, मतलब कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर धूप बारिश का कोई असर नहीं होगा, जो कि इसको फुल्ली आउटडोर यूज के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल या फिर उपयुक्त बना देता है। फ्रंट ग्रिल का अगर हम बात करें तो सिम्फनी मूवी कूल L का ब्रांडिंग है। दो नॉब दी हुई है, एक नॉब से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, 3 स्पीड है, लो, मीडियम एंड हाई, और एक नॉब से इसकी हम स्विंग एंड पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। सामने जो आपको जो लूअर्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली फुल्ली क्लोजेबल लूअर्स है, मतलब कि अगर आप इस कूलर को एयर कूलर को यूज नहीं कर रहे हैं तो अगर हमने लूअर्स को बंद कर दिया तो कोई भी इंसेक्ट या फिर मक्खी मच्छर अंदर नहीं जा पाएंगे। और ओपन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुश टू ओपन। पुश करने के बाद में ऊपर वाली ग्रिल को पुल करते ही ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो बहुत बड़ा फैन साइज है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है और जो व्हील्स हैं वो बहुत ही स्टर्डी और बहुत ही शानदार क्वालिटी के बहुत हैवी व्हील्स हैं। और ये जो व्हील्स हैं ये लॉकेबल व्हील्स हैं, इनको अगर आप लॉक लगा देते हैं तो ये कूलर अपने आप या फिर मतलब खिसकाने से भी मूव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं साइड व्यू की। L125 एक 3-साइडेड हनीकॉम पैड वाला एयर कूलर है। सामने आपको जो ये जो मैश नज़र आ रहा है, बेसिकली ये इसका डस्ट फिल्टर है। अगर किसी भी तरह की हमारे पॉल्यूशन या फिर डस्ट होती है तो वो इसमें अटक जाएगी, और ये आप आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से फुल करके, और ये हम वॉश भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये निकल जाता है और ये इजीली वॉशेबल है। इसको हम निकाल कर रेगुलर वॉश भी कर सकते हैं। जो हनीकॉम पैड नज़र आता है, इसकी एक क्वालिटी इसकी डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। हनीकॉम पैड की डेंसिटी बहुत शानदार क्वालिटी की है और इसकी मोटाई 50 mm, मतलब लगभग 2 इंच के आसपास की इसकी मोटाई है। सामने यहाँ नीचे से हम इसमें वाटर और आइस मैनुअल अगर आप फिल करना चाहें तो मैनुअल फिल यहाँ से हम कर सकते हैं। वायर का लेंथ अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर के आसपास का है और 6 एम्पियर का प्लग मिलता है इसके साथ में। यह है इसका बैक व्यू। दोस्तों, बहुत ही बड़ी क्वालिटी का हनीकॉम पैड दिया हुआ है और 2 डस्ट फिल्टर दिए हुए हैं पीछे की तरफ। सिम्फनी का ब्रांडिंग है यहाँ पर। और नीचे यहाँ पर हमें मिलता है इसमें, यहाँ पे आपको टैप से अगर आप इसमें पाइप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे इसमें फ्लोट वाल लगा हुआ है। इसको जितने पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी लेता रहेगा, चलता रहेगा, हमें बार बार पानी फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगेन अगर हम साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक मैनुअल आइस और वाटर फिल करने का ऑप्शन मिलता है और वही डस्ट फिल्टर है और हनीकॉम पैड दिया हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो 215 वाट का पावरफुल मोटर दिया हुआ है जिसमें कि एयर फ्लो मिलता है हमें 8,500 m³/h का। और कंपनी का ये बोलना है कि लगभग इसका जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो एयर फ्लो है उसे आप लगभग 25 m तक आप महसूस कर सकते हैं। 25 m तक का इसका एयर फ्लो है। एयर कूलर को हमने प्लग कर दिया है और अब 3 स्पीड नॉब है तो हम इसकी स्पीड एयर फ्लो चेक कर लेते हैं। इस कूलर में स्विंग भी हमें मिलता है तो इसका जो एयर फ्लो है वो रोटेट करता रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं रिव्यू पार्ट की। तो इसकी MRP है 19,999 रुपये, लगभग आपको 18,500 से 19,000 रुपये तक मार्केट में मिलेगा। दोस्तों, जब आप हम लगभग 18-19,000 रुपये के आसपास पैसा पे कर रहे हैं और हमें एक फुल्ली आउटडोर यूज़ के हिसाब से एक एयर कूलर मिल रहा है जिसकी कि एयर फ्लो बहुत ज़बरदस्त है और 125 लीटर की टंकी के अंदर है, एक बार भर दिया तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला एयर कूलर है। दूसरी चीज़ की अगर हम प्राइस के हिसाब से वर्थ की अगर हम बात करें तो आप जब मार्केट में एयर कूलर लेने जाएंगे तो आजकल तो डोमेस्टिक एयर कूलर भी आपको लगभग 12,000 से 15,000 रुपये तक मिल जाते हैं। तो जहां 19,000 रुपये में हमें एक कमर्शियल या फिर आउटडोर यूज़ के लिए एयर कूलर मिल रहा है तो प्राइस तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज़ कि सिम्फनी अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांड है और आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सिम्फनी का नेटवर्क पैन इंडिया है और 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई चलो ठीक है, एक बार तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो ब्रांड देख लेगी। हाँ, बाद में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक ही एश्योरेंस रहती है कि बहुत बड़ा ब्रांड है तो हमें स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी शानदार है। अगर आप एक इंडस्ट्रियल एयर कूलर देख रहे हैं तो ये इनका सबसे बेसिक मॉडल है। इससे ऊपर के भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, उनमें से आप कुछ देख सकते हैं। फिर भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो नीचे कॉमेंट बॉक्स है उसका यूज़ कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।